आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक की के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फ़िल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर्स से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू दाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचडी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसके लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर यथर्द्वाद के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा दुण शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहां पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर है इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे पहले दो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाथारियों के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के ईदूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानियाँ आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहां पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदिति आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमाघर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसके लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीन कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर सुखला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे पहले दो तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहीधारियों से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की दूध घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज के ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के दिन हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर किसी नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उलटी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उलटी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दामुंडा मुंडा टू डाकुन दामुंडा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एच में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको खास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री या दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडता के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो ये हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओर के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओर के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दामुंडा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा दुण शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की ईदूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज के ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों नया पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उलटी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दामुंडा मुंडा टू डाकुन दामुंडा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में ही चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एच में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको खास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री या दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनीटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज के ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो ये हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़के कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओर के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर है इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दामुंडा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा दुण शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं इस, उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये है चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों के ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों नया पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसके लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री या दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीन कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करना और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले दो तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की ईदूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों नयाय पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानियाँ आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे बेतक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओर के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करना और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले दो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहीधारियों से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की ईद घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यह यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी आचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों के ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों नया पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़म लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो ये हर किस नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये है चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमा घर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में ही चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से 10-20 करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसके लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री या यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीन कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करना और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले दो तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है यह फिल्म दोस्तों नयाय पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के दिन हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो ये हर किसी नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानियाँ आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओर के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफ़ी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले दो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाही के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओर के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी आचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बाज़ अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो ये हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको खास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री या यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफ़ी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा का ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर यथर्द्वाद के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज के ओर ले जाता है यह फिल्म दोस्तों नया पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमिक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसके लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफ़ी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा दुण शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले दो तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहित से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के ईद घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालाँकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहां पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल अदिति आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री या दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधेरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहित से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की ईदूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडता के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमाघर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एच में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको खास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर यथर्द्वाद के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहितारियों से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज के ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों नया है, पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर किसी नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यह यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानियाँ आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे बेतक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमाघर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एच में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीन कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले दो तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहित से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्र चरित्र की के ईदूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालाँकि ज़ाहिर सी बात है वो फिल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहां पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहीधारियों से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडता के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होंगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू दामुंडा दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदिति आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी मूवी सिनेमाघर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसके लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार दा यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का ट्रेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनफोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊंचा करना है साथ ही यहाँ पर सुखला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे पहले दो तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहीधारियों से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की दूध घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज के ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों नयाय पहचान और नैतिक अखंडा के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फिल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर किसी नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे टेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये है चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है ओल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव पॉइंट वन की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर से इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एच में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इंजॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको खास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफ़ी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बात अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर यथर्द्वाद के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्म द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडता के विषय की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर यह एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे ही थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फिल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो ये हर किसी नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि ज़ाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यह यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है उल्टी के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुंचाऊंगा आज हम दोस्तों एक कमाल की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम गांधी थ्री है और ये सीरीज़ की तीसरी फिल्म भी है तो हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे इस मूवी के बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ़िल्म का रिव्यू करेंगे और कब ये मूवी आ रही है उल्टी के ऊपर इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आप भी दोस्तों मूवी को देखना चाहते हैं या फिर इस मूवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए बात करते हैं गांधी थ्री के बारे में तो अभी तक दोस्तों आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए वो आपको टाइम्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा जहाँ पर इसे अपलोड किया गया है तो बात करें फिल्म के बारे में तो इसकी जो आई रेटिंग है वो टेन आउट ऑफ फाइव की है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे लोगों ने इसे लाइक किया है और इस फिल्म के जो मेकर है इन्होंने पहले भी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ दे रखी है इसे डायरेक्ट किया है मनदीप बहनीपाल ने जो कि पहले बहुत सी कमाल की मूवीज़ बना चुके हैं जैसे कि योद्धा है और डाकुन दामुंडा मुंडा टू डाकुन दा मुंडा ऐसी बहुत सी मूवीज़ इन्होंने अपने करियर में दे रखी है और ये भी दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी फिल्म रही है और काफ़ी चर्चा में ये मूवी अभी है और काफ़ी सारे लोग इस मूवी के बारे में जानना भी चाहते हैं इस फिल्म का रन टाइम दो घंटे पच्चीस मिनट का है और इस फिल्म की लीड कास्ट में आपको देव खराउद जिम्मी शर्मा रुपिंदर रूपी इसके अलावा दक्ष अजीत सिंह लकी धलीवाल आदित्य आर्या तरसेम पॉल नवदीप कलियर धनवीर सिंह ऐसे बहुत सारे किरदार आपको फिल्म में देखने को मिलेगा दोस्तों इस मूवी को रिलीज़ कराया गया था 30 अगस्त को और ये मूवी अभी भी सिनेमाघर में चल रही है अभी तक का इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो दोस्तों पाँच करोड़ पार हो चुका है और अभी भी ये मूवी सिनेमा घर में चल रही है तो फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आराम से दस बीस करोड़ कमा सकती है और अब बात करें कि मूवी एचरी में कब रिलीज़ होगी तो जैसे कि दोस्तों जब भी कोई मूवी आती है तो एक डील होती है कि इतने दिन बाद या फिर इतने वीक बाद इसे रिलीज़ कराया जाएगा तो जो पंजाबी मूवीज़ होती है उसकी लगभग रिलीज़ के एक या दो महीने बाद रिलीज़ हो जाती है तो ये मूवी आपको लगभग जो है वो अगले महीने अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएंगी आप इसे वहाँ पर इन्जॉय कर पाएंगे अगर आप इस फिल्म को अभी देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर इस मूवी को आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लगी हुई है और इस मूवी को आप दोस्तों देखिए आपको कैसी लगती है क्या इस फिल्म के अंदर आपको ख़ास लगा फिल्म के गाने आपको कैसे लगे वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तो चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में तो वैसे इस मूवी का पूरा नाम गांधी थ्री यार यार ऐसा इसका नाम दिया गया है और इस फिल्म का टेलर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और गांधी थ्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डायरेक्शन काफ़ी अच्छी कास्टिंग और इसकी सीनेटोग्राफी कमाल की है तो गांधीधरी को जो बाज़ अलग बनाती है वे है पारंपरिक कहानी कहने का तो तरीका जो यहाँ पर होता है वो समलकालीन सिनेमा तरीकों से साथ मिलाना और फिल्म निर्माताओं का लक्ष्य यहाँ पर उन्नत दृश्यों और एक महत्वपूर्ण भावपूर्ण संगीत स्कोर को शामिल करने और कथा को ऊँचा करना है साथ ही यहाँ पर शुक्ला को परिभाषित करने वाला कठोर या के प्रति सच्चे रहना इसके अलावा फिल्म को लेकर उत्सुकता साफ देखी जा सकती है और आलोचकों को और जो प्रशंसकों है इन दोनों की ही जो पहले ही फिल्म है पहले फिल्मों द्वारा शुरू की गई गहन यात्रा जी यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसी है कि लोग भी इसका बहुत सारे बहुत ही टाइम से इंतज़ार कर रहे थे पहले तो भागों के अंदर आपने देखा था कि इस मूवी के अंदर कहानी काफ़ी तगड़ी रही थी और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब वेट भी किया था इस मूवी का अब यहाँ पर कहानी की बात करें तो ये कहानी एक नायक के जीवन की होती है जो कि हमें गहराई से बताती है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होता है जो कि व्यक्तिगत संघर्षों का व्यापक सामाजिक और नाहित से के साथ जोड़ती है कथा यहाँ पर केंद्रित चरित्र की के दूर घूमती है जो फिल्म का हीरो है जिसे सूक्ष्म गहराई के साथ चित्रित किया गया है क्योंकि वह नैतिक दुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलताओं को नेगेटिव करता है जैसे कहानी आगे बढ़ती है दर्शक उनके परिवर्तन को देखते हैं जो कि आंतरिक संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों दोनों से प्रेरित होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक ज़िम्मेदारी की एक रोमांचक खोज की ओर ले जाता है ये फिल्म दोस्तों न्याय पहचान और नैतिक अखंडा के विषयों की जाँच करने के लिए उत्सुक है फिल्म द्वारा उठाए गए जो मुख्य विषयों है इसमें एक व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक दबाव के बीच संघर्ष है जो कि समकालीन मुद्दों के ताने और बाने में समुद्र रूप से बुना गया है अब यहाँ पर ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको कोई सोचने का मौका नहीं देती है इसका क्लाइमेक्स दोस्तों गजब का है और ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इसका अगर आप ट्रेलर देखे होगे तो आप इससे थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो हीरो होता है उनकी माँ को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या है उनके मैं उनकी माँ ये समझती है कि उनका बेटा अच्छा है और वो गुस्सा तो ये करता है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता है क्योंकि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पुलिस आती है और उस लड़के को यानी कि फ़िल्म के हीरो को ढूंढ रही होती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दिया जाता है हालांकि उसकी माँ तो हर चीज़ नहीं मानने को राजी है कि क्योंकि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता ऐसा उसको लगता है लेकिन आग अगर हम आगे ट्रेलर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वही लड़का जो होता है उसने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं हालांकि जाहिर सी बात है वो फ़िल्म का हीरो है तो जो काम कर रहा है वो अच्छे के लिए ही कर रहा है और सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गलत काम कर रहे हो उन्हें रोक रहा है तो यहाँ पर फिल्म के अंदर आपको दिखाया गया है और ये मूवी इसी कहानी के साथ आगे चलती रहती है हीरो कैसे एक लड़के को न्याय दिलाता है क्योंकि कुछ गुंडे यहाँ पर फिल्म के अंदर ये है चाहते हैं कि वो लड़की कोर्ट ना पहुँचे तो वो उसे रोकते हैं लेकिन हीरो यहाँ पर उन्हें जो है वो बचाता है ऐसी मतलब बहुत सारी कहानी आपको आगे मतलब देखने को मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन है तो ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म दोस्तों बनाई गई है आप इसे आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर देखिए और ये मूवी जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होती है ओर के ऊपर तो मैं आपसे अभी तक जानकारी ज़रूर पहुँचाऊँगा